चलिए इस लेक्चर में बात करेंगे इन वैल्यूट ऑफ स्क्वायर के बारे में। ठीक है, क्या इन वैल्यूट ऑफ स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो इन वैल्यूट ऑफ स्क्वायर हम लोग जो देखेंगे, इसका क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं कि आपको प्रकार से आपको क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, देखिए आप लोग को किस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। पहले हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, फिर इसके स्टेप को देखेंगे। सबसे पहले इसके क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा आपको कि ड्रॉ द इन वैल्यूट ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 40 mm, साइड में कुछ भी दे सकता है, साइड कुछ भी दिया रह सकता है। ठीक है, ऑफ साइड 40 mm लॉन्ग, ऑफ साइड 40 mm लॉन्ग। ठीक, उसके बाद देगा ऑल्सो ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। कोई दिक्कत तो आपको जिसका एन वैल्यूट कहेगा वो दिया हुआ रहेगा, स्क्वायर का एन वैल्यूट कह रहा है, उसका साइड भी दिया हुआ रहेगा। उसके बाद आपको कहेगा कि जब एन वैल्यूट हो जाए तो उस पर नॉर्मल और टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। कोई दिक्कत तो आप लोग क्वेश्चन को नोट कीजिए, बिल्कुल इसके स्टेप को फिर हम लोग देखेंगे, बहुत ईजी स्टेप है। चलिए चलिए जिसका भी एन वैल्यूट कहेगा पहले हम लोग उसको ड्रॉ करेंगे। जो भी जैसे पेंटागन का कहेगा पेंटागन बनाएंगे, ट्रायंगल का कह रहा था ट्रायंगल बनाएं, कह रहा स्क्वायर का एन वैल्यूट, तो HB पेंसिल से पहले स्क्वायर बना लीजिएगा। स्क्वायर कैसे बनाते हैं आपको पता है, तो जितना mm साइड कहेगा पहले कोई एक साइड ले लीजिएगा। 40 mm का स्क्वायर कह रहा है तो पहले 40 mm साइड ले लीजिएगा, फिर यहाँ से 90 डिग्री पे 40 mm। ठीक है, फिर यहाँ से 40 mm, फिर इसको मिला दीजिएगा। इस प्रकार से आपका क्या होगा, स्क्वायर बन जाएगा। कोई दिक्कत, इस प्रकार से आपका क्या होगा, स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। तो जितना mm का स्क्वायर कहेगा स्क्वायर बना लीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए अगले स्टेप को देखिए, तो स्क्वायर को नेमिंग कर लीजिएगा। चलिए ABCD, उसके बाद जिस प्रकार ट्रायंगल में बताए थे कि किसी एक साइड को उसके परिमिति के बराबर एक्सटेंड कर लीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए कोई एक भुजा को हम लोग इस भुजा को मान लीजिए कि एक्सटेंड करना है तो परिमिति के बराबर एक्सटेंड कर लीजिए। इसका परिमिति कितना होगा, 4 गुना भुजा। ठीक है, तो 4 गुना भुजा का अर्थ कितना हो गया, 4×16 160 mm। कोई दिक्कत, चलिए इसको डायमेंशनिंग भी करना है आपको, कितना एक्सटेंड किए आप। चलिए जितना एक्सटेंड किए उसको दिखाना भी है आपको, तो चलिए हम यही एक्सटेंड किए हैं तो आप लोग भी इसको प्रोजेक्ट करके दिखा लीजिएगा। तो कितना एक्सटेंड करते हैं, उसके परिमिति के बराबर, जितना परिमिति आएगा उतना एक्सटेंड करेंगे। तो भुजा 40 × 4, यही इसका परिमिति आएगा, इतना एक्सटेंड कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद सभी भुजा को एक्सटेंड करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन वो भुजा ऑलरेडी एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दूरी देखेंगे और सभी भुजा को एक्सटेंड करेंगे। तो देखिए ये भुजा ऑलरेडी हो चुका है, अब इसको एक्सटेंड करेंगे, लेकिन वो भुजा ऑलरेडी एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इसको इधर कर चुके हैं तो इधर नहीं करना आपको, क्यों, ये ऑलरेडी हो चुका है, अब बचा ये इसको करना है। तो इसको कितना एक्सटेंड करेंगे, ये दूरी बताएगा वो बिंदु जहाँ पे आप एक्सटेंड किए वहाँ से क्या दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी 40, तो इसको कितना एक्सटेंड करेंगे, 40 mm एक्सटेंड करेंगे। कोई दिक्कत, बिल्कुल स्टेप देखिएगा। चलिए उसके बाद इस भुजा को ये हो चुका, ये वाला भुजा बचा, इसको इधर एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, इसको इधर एक्सटेंड कर लेंगे, कितना यहाँ से दूरी देखेंगे, 40 40 80, तो इसको कितना mm एक्सटेंड करेंगे, 80 mm एक्सटेंड करेंगे। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको कितना mm एक्सटेंड करेंगे, 80 mm एक्सटेंड करेंगे। चलिए अगले स्टेप को देखिए, चलिए
ये भी हो चुका, ये कितना एक्सटेंड किए 40, क्यों इसको 40 किए, क्योंकि यहाँ से दूरी 40 तो 40 mm, और ये भुजा को, ये भुजा ऑलरेडी हो चुका है तो इसको इधर एक्सटेंड नहीं करना है, ये भुजा होगा क्योंकि हम बताएं कि एक भुजा को एक ही बार एक्सटेंड करना है, तो हम लोग पहले इस भुजा को कर लिए तब इस भुजा को करेंगे फिर इस भुजा को। अब देखिए ये वाला भुजा बचा, ये भी हो चुका, अब ये वाला भुजा इधर बढ़ेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। चलिए तो इस भुजा को जो एक्सटेंड करेंगे कितना करेंगे ये बताएगा दूरी 40, 40 80, 40 120, तो इस भुजा को कितना mm एक्सटेंड करेंगे 120 mm करेंगे, कितना mm 120 mm, तो इस भुजा को 120 mm एक्सटेंड कर लीजिएगा, कोई डाउट। चलिए तो आप लोग भी एक्सटेंड कीजिए, तो इसको कितना करेंगे 120, तो आप लोग भी 120 mm एक्सटेंड कर लीजिए, थोड़ा सा और बड़ा लेंगे तब 120 के बराबर लगभग लगे, आप लोग अपना एक्यूरेट लीजिएगा। ले लिए सभी भुजा को एक्सटेंड कर लिए, फिर से यहाँ तक रिकॉल करते हैं। सबसे पहले क्या किए, एक स्क्वायर बनाए जिसका एन वैल्यू कहेगा, पहले उसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ भी ग्रीन मार्कर एच बी है ध्यान रखिएगा, तो जिसका भी एन वैल्यू कहेगा पहले एच बी पेंसिल से उसको ड्रॉ कर लीजिएगा, एक भुजा को उसके परिमिति के बराबर एक्सटेंड कर लीजिएगा, उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़िएगा, उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़िएगा, उसके बाद सभी भुजा को एक्सटेंड कीजिएगा, कितना तो जितना उस बिंदु से दूरी होगा। तो देखिए ये भुजा ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुका है, एक भुजा को एक ही बार एक्सटेंड करना है, ये ऑलरेडी इधर हो चुका है तो इसको नहीं करना है, ये भुजा को इधर कर देंगे, ठीक है। कितना करेंगे तो उस बिंदु से दूरी 40, तो यहाँ पे 40 एक्सटेंड किए, यहाँ तक दूरी देखिए 40 40 80 थी, इसको 80 mm किए, ये भी भुजा ऑलरेडी हो चुका, अब ये भुजा भुजा बचा है इसको इधर एक्सटेंड कर देंगे, कितना 40 40 80 40 120, कोई दिक्कत। उसके बाद कंपास में पेंसिल को फिक्स करेंगे, प्रत्येक पॉइंट को सेंटर बनाएंगे, जितना पॉइंट रहेगा लेमिना में, जितना पॉइंट रहेगा इन वैल्यूट का, जो भी क्वेश्चन रहेगा, स्क्वायर ट्रायंगल पेंटागन हेक्सागन जो भी रहेगा, जितने पॉइंट होंगे सबको सेंटर बनाएंगे। अब देखिए इसको सेंटर बनाएंगे, एक बार इसको बनाएंगे, एक बार इसको, एक बार इसको, जितना पॉइंट उतना सेंटर, इसको सेंटर बनाएंगे, इसको रेडियस आर्क लेके मिला देंगे, बिल्कुल कंपास से मिलाना है, फ्री हैंड कुछ नहीं, एक्यूरेट बनता है, इजी, बहुत इजी होता है इन वैल्यूट। इसको सेंटर बनाएंगे, इसको रेडियस आर्क लेके मिला देंगे, ये ऑलरेडी यहीं मिलेगा, क्यों मिलेगा यहाँ पे, देखिए ये भी 40 था, ये भी 40 एक्सटेंड किए थे, तो दोनों रेडियस है यही मिलेगा। अब देखिए इस पॉइंट को सेंटर, इसको रेडियस लेके मिला लेंगे, कोई दिक्कत, इस प्रकार से मिल जाएगा। अब इसको सेंटर, इसको रेडियस, इसको भी आर्क लेके इस प्रकार से मिला लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब इसको सेंटर, इसको रेडियस आर्क लेके मिला लेंगे, तो बिल्कुल ये इस प्रकार मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। तो चलिए आप लोग भी इस प्रकार से इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। तो क्या किए एक बार फिर से बता देते हैं, प्रत्येक पॉइंट को सेंटर बनाए, जितना पॉइंट था सबको सेंटर, देखिए इसको सेंटर बनाए तो ये रेडियस मिला दिए, इसको सेंटर तो ये रेडियस मिला दिए, इसको सेंटर, इसको सेंटर, यहाँ से इसको मिला लिए, अब इसको सेंटर तो इसको यहाँ से मिला लिए, बिल्कुल कंपास से मिलाइएगा, अपने मन से कुछ नहीं, कंपास में पेंसिल को फिक्स कीजिएगा, कंपास और पेंसिल से मिलाना है इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका इन वैल्यूट ऑफ स्क्वायर कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पे कह रहा है ऑल्सो ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट, तो नॉर्मल और टेंजेंट बनाने के लिए आप पहले पॉइंट फिक्स कर लीजिएगा कहाँ बनाना है। सपोज आपको यहाँ पे बनाना है तो उसके लिए सेंटर देखिएगा, ठीक है, उसके लिए आपको सेंटर देखना पड़ेगा कौन सा है, जहाँ पे कर्व पे बनाइएगा, जिस भी कर्व पे बनाइएगा उसके लिए आपको सेंटर देखना होगा, ठीक है, उसके लिए आपको क्या देखना होगा, ठीक है। इन वैल्यूट में सिर्फ यही ध्यान रखना पड़ता है कि आप जहाँ नॉर्मल टेंजेंट बना रहे हैं उस कर्व के लिए सेंटर कौन है। तो हम लोग जानते हैं सर्कल में रेडियस नॉर्मल होता है, ठीक है, सर्कल में रेडियस क्या होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है। तो सिर्फ कर्व का तो क्यों बोले देखना पड़ता है, क्योंकि देखिए कि सर्कल में हमेशा क्या होता है, रेडियस नॉर्मल होता है, सर्कल में रेडियस क्या होता है, नॉर्मल होता है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो हमको मान लीजिए यहाँ पे बनाना है तो इसके लिए सेंटर ये हुआ, इसको मिला देंगे, यही रेडियस हो गया, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो सेंटर से ये भी क्या होगा, रेडियस होगा, तो यही नॉर्मल हो जाएगा। अब मान लीजिए इस कर्व पे यहाँ तक में बनाना है तो यहाँ से मिलाइएगा तो वो नॉर्मल होगा, इस कर्व में यहाँ तक बनाना है तो यहाँ से मिलाइएगा तो ये नॉर्मल होगा, यहाँ पूरे कर्व पे बनाना है तो जहाँ से मिलाइएगा वो नॉर्मल हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो यही बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि आप कहाँ बना रहे हैं नॉर्मल टेंजेंट, तो जहाँ बना रहे हैं उसके लिए सेंटर आपको देखना पड़ेगा कौन सा है। सपोज इस क्यू पॉइंट पे बना रहे हैं तो क्यू पॉइंट के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि
सेंटर कौन सा है, तो जो सेंटर होगा उससे मिला दीजिएगा, वो नॉर्मल हो जाएगा। फिर एक मिल गया, दूसरा 90 डिग्री, ठीक है, हम लोग पढ़े ही हैं, एक मिल जाता है दूसरा 90 डिग्री खींच देते हैं। तो देखिए आपको इस पॉइंट पे बना रहे हैं, तो इसके लिए सेंटर कौन है, ये है, तो इसको मिला लीजिए, यही क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। फिर एक मिल गया दूसरा 90 डिग्री खींच दीजिए, टेंजेंट हो जाएगा, कुछ नहीं है, बिल्कुल बच्चा वाला चीज़ है, ठीक है, नाम भी दे दीजिए इसको, ठीक है, टी फॉर टेंजेंट एंड फॉर, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था कंप्लीट होता है, स्क्वायर का इन्वेल्यूट करने का रहा था, स्क्वायर का इन्वेल्यूट कर लिए, नॉर्मल टेंजेंट ड्रॉ करने का रहा था, नॉर्मल टेंजेंट ड्रॉ कर लिए। तो जो जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है एचबी पेंसिल से बाद में फोर अच्छे ड्रॉ कीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद ध्यान रखिएगा नॉर्मल टेंजेंट के लिए कि जहाँ भी आप नॉर्मल टेंजेंट बनाइएगा उसके लिए आपको सेंटर देखना पड़ेगा कौन सा लिए थे, ठीक है, इस कर्व पे बनाएंगे यहाँ तक में तो इसके लिए सेंटर कौन था, ये था, तो इससे मिलाएंगे तो ये नॉर्मल, नंबर खींच देंगे वो टेंजेंट, इस पोर्शन पे बनाना है तो यहाँ पे इसके लिए सेंटर ये था तो ये इससे मिलाते हुए खींचेंगे नॉर्मल, नंबर खींच देंगे टेंजेंट। उसी प्रकार इस कर्व पे बनाएंगे तो इसके लिए सेंटर ये था, यहाँ से खींचेंगे तो नॉर्मल, कोई दिक्कत। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।